एक बनाया है कूलिंग जैकेट। वो कूलिंग जैकेट का हमारा फर्स्ट प्रोटोटाइप रेडी हो गया है, उस पर हम काफी टाइम से 3 महीने से लगातार एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। रेगिस्तान की जो गर्मी होती है वो 50 डिग्री उसके पार जाने लगती है। ये छात्रों ने इसको भी एक चैलेंज की तरह लिया है और ये इन दोनों पार्ट पे काम करके इस जैकेट को उसके लिए भी कैसे डेवलप किया जा सकता है उसके लिए प्रोसेस कर रहे हैं। वडोदरा की महाराजा सयाजी राव यूनिवर्सिटी के छात्रों ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है जो कि जैसलमेर के रेगिस्तान में बॉर्डर पर तैनात बीएसएफ के जवानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। टेक्नोलॉजी फैकल्टी के मैकेनिकल इंजीनियरिंग के 4th ईयर्स के कुछ स्टूडेंट्स ने मिलकर एक ऐसी जैकेट तैयार की है जो कि रेगिस्तान के 50 डिग्री के तापमान को भी झेल सकती है। जैकेट की खास बात यह है कि इस जैकेट को पहनने वाले शख्स के शरीर का जो तापमान होगा उससे उसे बस 5 डिग्री ज्यादा गर्मी ही महसूस होगी, चाहे बाहर का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक ही क्यों न हो। आने वाले दिनों में इस जैकेट को गर्मी और सर्दी दोनों ही सीजन के लिहाज से डिजाइन किया जाएगा। जो लोगों को न सिर्फ गर्मी और सर्दी से राहत देगा बल्कि जैसलमेर और सियाचिन जैसी जगहों पर सेना और बीएसएफ के जवानों के लिए एक वरदान साबित होने वाला है। वडोदरा की महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी की टेक्नोलॉजी फैकल्टी के मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पढ़ाई करने वाले 4 छात्रों ने कुछ ऐसा करिश्मा कर दिखाया है जो आने वाले दिनों में न सिर्फ राज्य के लिए मगर पूरे देश के लिए गेम चेंजर साबित होना है। हम मौजूद हैं वडोदरा की महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी की टेक्नोलॉजी फैकल्टी के अंदर, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो छात्र हैं जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के 4th ईयर में पढ़ाई करते हैं, उन्होंने कुछ ऐसा आविष्कार किया है कि एक प्रोटोटाइप जैकेट तैयार कर रहे हैं जिनकी तैयारी में ये छात्र जुटे हुए हैं, जो कि पर्सनल कूलिंग सिस्टम के नाम से जाना जाएगा। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये जो प्रोटोटाइप जैकेट होगा उसको पहनने के बाद जो बाहर का टेम्परेचर होगा वो अपने शरीर के जो टेम्परेचर है उनके साथ उनको संतुलित करेगा। ये जो छात्र है हम उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार आपके दिमाग में क्या था, ये आइडिया कैसे दिमाग में आया और आने वाले दिनों में ये कैसे गेम चेंजर साबित होगा। हम सब तो जानते ही है कि समर में बहुत गर्मी होती है, अराउंड 35 डिग्री 40 डिग्री तक का तापमान चला जाता है। तो उतनी गर्मी में सर्वाइव करने के लिए और रेगुलर पब्लिक के लिए जो बाहर निकलती है उनको बहुत गर्मी लगती है, इसलिए उनके लिए हम कुछ करना चाहते हैं कि उनको ठंडी मिले, राहत मिले रेगुलर डे टू डे यूजेज में भी और कोई पर्टिकुलर यूज़ हो तो भी। तो उसके लिए हमने एक बनाया है कूलिंग जैकेट। वो कूलिंग जैकेट का हमारा फर्स्ट प्रोटोटाइप रेडी हो गया है, उस पर हम काफ़ी टाइम से 3 महीने से लगातार एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और अभी भी आगे 3-4 महीने तक एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो एक्सपेरिमेंट का फर्स्ट प्रोटोटाइप का जो रिजल्ट है दैट वॉज सक्सेसफुल वन, सो वी आर ट्राइंग टू मूव अहेड एंड जो भी डेटा गैदर होता है उससे हम एनालाइज करते हैं कि और क्या अच्छा हो सकता है और कितना एफिशिएंट बन सकता है, तो उसके मुताबिक अभी हम आगे करते रहेंगे। इसके पीछे का जो कंसेप्ट था, जो आइडिया था, वो उनके मेंटर हैं तो हम उन्हीं से जानते हैं कि सर ये जो पूरा कंसेप्ट था वो आर्मी की जो जवानों के लिए आपने सेंटर पॉइंट पर लिया तो वो कैसे एग्जीक्यूट होगा। ये जो मैकेनिकल विभाग के छात्र जब मेरे पास आए और इन्होंने बोला कि वो आम आदमी के लिए एक ऐसा जैकेट बनाना चाहते हैं जिससे उनको राहत मिले, तब मुझे लगा कि सिर्फ आम आदमी ही क्यों, इसके कई उपयोग हो सकते हैं। जैसे कोई इंडस्ट्रियल वर्कर है, जैसे सेना के जवान हैं जो एक्सट्रीम टेम्परेचर में जब काम करते हैं और ऐसा एक टाइम आता है जब वो असहनीय हो जाता है, तो ऐसा कुछ प्रोडक्ट अगर डेवलप होता है तो वो उनको भी उन टेम्परेचर्स में मदद कर सकता है। जैसा आपने ऑलरेडी कहा कि जैसलमेर की जो रेगिस्तान की जो गर्मी होती है वो 50 डिग्री उसके पार जाने लगती है, तब इसका जो बाद में टेस्ट हुआ उसमें उसका टाइमिंग कम हो गया जब टेम्परेचर बढ़ गया, तो अब ये उसी ऊपर काम कर रहे हैं कि इसका सस्टेनेबिलिटी कैसे बढ़ाया जाए ताकि ज़्यादा देर तक ये राहत दे सके। जैसा कि आपने सुना कि आने वाले दिनों में ये जो प्रोटोटाइप जैकेट है वो DRDO की और भी भेजा जाएगा और जो SSIP ने उनको जो दिया है, तो 3 महीने रिसर्च के पूरे हो चुके हैं। अब आने वाले 3 महीनों के अंदर जब ये जैकेट तैयार होगा तो बलस्य मूलम विज्ञानम के ध्येय पर काम करने वाली DRDO के लिए ही नहीं मगर पूरे देश के लिए एक अचीवमेंट साबित होगा, इसमें कोई दोराई नहीं होगी। कैमरामैन जितेंद्र राजपूत के साथ वशिष्ठ शुक्ल, गुजरात तक।